जोशी मठ के संदर्भ में यहां चार खबरों का जिक्र करूंगा। उन खबरों का जोशी मठ के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, और यह भी कि जोशी मठ में मैंने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर किस तरह का असर देखा। देवभूमि कोनो बदली बिजली भूमि कैरियाली जी, देवभूमि को नो बदली बिजली भूमि कैरियाली जी, उत्तराखंड की धरती यून डामुन डाम्याली जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। मैं त्रिलोचन भट्ट। आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र अनुरोध कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पहली खबर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का आदेश कि जोशी मठ के बारे में कोई भी अधिकारी मीडिया को कोई बयान न दे। दूसरी खबर, बैंक जोशी मठ से अपनी नकदी को दूसरे नगरों के बैंक शाखाओं में शिफ्ट कर रहे हैं और बद्री केदार मंदिर समिति जोशी मठ में अपने खजाने को पीपल कोटी ले जा रही है। तीसरी खबर, तथा कथित वैज्ञानिकों का दावा है कि अब जोशी मठ में दरारें बढ़ नहीं रही हैं। और चौथी खबर, उत्तराखंड शासन का दावा है कि अब क्रैकोमीटर जो जोशी मठ में लगाए गए थे उनसे पता चल रहा है कि अब दरारें ज्यादा नहीं बढ़ रही हैं। मैं इन खबरों पर कुछ सवाल उठा रहा हूं। पहली बात, यदि कोई अधिकारी जोशी मठ के बारे में सूचना देता है तो सरकार के अनुसार लोगों में दहशत फैलती है, लोग डर जाते हैं। लेकिन जब बैंक अपनी नकदी और मंदिर समिति अपना खजाना जोशी मठ से दूसरी जगह ले जाती है तो इन खबरों का क्या लोगों पर अच्छा असर पड़ता है, और वह भी ऐलान के साथ ये खबरें मीडिया को दी जाती है। दूसरा सवाल, बैंकों ने अपनी नकदी और मंदिर समिति ने अपने खजाने को जोशी मठ से शिफ्ट करने के लिए कार्य योजना बना दी है, जैसा कि मंदिर समिति के एक पदाधिकारी को टीवी पर कहते हुए सुना जा सकता है। लेकिन सवाल ये कि जोशी मठ के लोगों को शिफ्ट करने के लिए आपने कार्य योजना क्या बनाई है, और इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल यह भी कि क्या आपके लिए नकदी और खजाने की कीमत लोगों की जान से भी ज्यादा है। तीसरा सवाल, जब दरारें नहीं बढ़ रही हैं जैसा कि सरकार कह रही है और कुछ दिन में जोशी मठ स्थिर हो जाएगा जैसे कि कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं, तो आप बैंकों की नकदी और मंदिर समिति के खजाने को दूसरी जगह क्यों ले जा रहे हैं। जब मैं जोशी मठ के पास सेलंग गांव में था तो अधिकारियों का एक दल गांव के नीचे एक जमीन का निरीक्षण कर रहा था। पता चला कि वहां तहसील शिफ्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है। मेरा सवाल है कि जब जोशी मठ में दरारें नहीं बढ़ रही हैं, जोशी मठ कुछ दिन में स्थिर होने वाला है, तो फिर तहसील शिफ्ट होने की बात क्यों की जा रही है? क्या आप लोगों को बरगला रहे हैं? एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिन लोगों के घर दरक गए हैं, दरक रहे हैं या दरकने की आशंका है, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ रहा है, क्या आपने कभी सोचा? और लोगों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए आपने क्या किया? क्या आपने सोचा कि तहसील को शिफ्ट करने की कवायद, बैंक के नोट और मंदिर के का खजाना दूसरी जगह ले जाने की खबरों से असुरक्षा और तनाव के बीच जी रहे जोशी मठ के लोगों के पर इसका क्या असर पड़ेगा? जोशी मठ में 3 दिन रहकर मैंने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को नजदीकी से देखा। आपके अधिकारी लोगों को घर छोड़ने का आदेश भी धमकी की तरह दे रहे हैं। क्या आपने सोचा कि आपके अधिकारियों के इस रवैये से उन लोगों के मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ रहा होगा जो अपनी आंखों के सामने अपने जीवन भर की कमाई, अपने घर, अपने साधो सामान को बर्बाद होते देख रहे हैं? जरा ये वीडियो देखिए। सर हम यहाँ नहीं रहेंगे, आपको खाना तो खाना ही ना सर। उनको कितना खाना मांगने में आ गया अभी एक होटल है ना, मतलब होटल थोड़ा बहुत कम ले रहे हैं खाना। आजकल वो छुट्टी भी चलेगा, जो कारीगर है वो भी यहाँ क्या करेंगे? यहाँ हमारी बहुत सारी जमीन है, दाएं बाएं एक बार जो खाना अगर नहीं खिला रहा है तो हम उसके बाद क्या हो रहा है? एक खाना मिलना भी नहीं होटल खाने का कुछ वीडियो में आपने देखा कि एक अधिकारी किस्म का व्यक्ति है, दो पुलिस वाले हैं,
पीड़ित परिवार है और इस क्षेत्र के पूर्व नगर पालिका सभासद प्रकाश नेगी भी नजर आ रहे हैं। लोग मोहलत मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब रात को तो हम होटल में चले जाते हैं, दिन में घर में आ जाते हैं, लेकिन अधिकारी अभी के अभी लोगों को घर छोड़ने के लिए कह रहा है। ऑर्डर इज ऑर्डर, अभी चले जाओ घर छोड़कर। क्या है ये सब? दरअसल सरकार को और सरकार के अधिकारियों को आपदा प्रबंधन और अतिक्रमण हटाने में फर्क ही मालूम नहीं है। आपदा प्रबंधन की बात आप बहुत करते हैं, आपके पास आपदा मंत्रालय है, आपके पास आपदा मिटिगेशन सेंटर है, आपके पास आपदा का एक प्राधिकरण भी है, लेकिन वास्तव में आपका सारा का सारा आपदा प्रबंधन खोखला है, भोथरा है, लोगों को राहत नहीं कष्ट देने वाला है। खासकर जोशीमठ के मामले में ये हम सब आसानी से देख सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, आपका आभार। इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं और जमीनी हकीकत के बारे में सोचें। हो सके तो नीचे थैंक्स बटन में जाकर मेरे जन सरोकारों की पत्रकारिता को सहयोग भी करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। नमस्कार।